माई सेल्फ सोनी सर, स्वागत है आपका द निकोलियन क्लासेस में। आज के टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाइट्स के बारे में। व्हाइट्स क्या होती है, कितने टाइप से व्हाइट्स होती हैं, टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग में व्हाइट्स क्या होती हैं, थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग में व्हाइट्स कितने होती हैं, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाइट्स के मतलब होता है खाली स्पेस, जब एटम को हम लोग वन डायमेंशन या टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग करते हैं तो इसमें जो खाली स्पेस बच जाती है उसी को बोलते हैं हम लोग व्हाइट्स। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर वन व्हाइट्स जो होते हैं दो टाइप से होते हैं, तीन टाइप से भी होते हैं। पहला होते हैं टू डायमेंशन क्लोज व्हाइट्स और थ्री डायमेंशन व्हाइट्स। तो अगर व्हाइट्स के मतलब क्या होता है आज बात करेंगे। जैसे हम लोग क्लोज पैकिंग किए, जैसे वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, ये आपका वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। तो वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग किए तो एटम तो सिर्फ यहाँ पे टच हुआ है, बाकी जो ये स्पेस बच जाता है इसको बोल देते हैं हम लोग व्हाइट, इसको बोल देते हैं व्हाइट। अगर यही एटम को हम लोग टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करते हैं तो एक हो गया आपका एक्स एक्सिस और दूसरा हम लोग एटम टू डायमेंशनल में अरेंज कर रहे हैं तो टू डायमेंशनल एटम में ऐसे करेंगे, जिसको मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग बात किए थे। तो जब दो डायमेंशनल कहें क्लोज पैकिंग एक्स एक्सिस या ये हो गया आपका वाई एक्सिस, अब दोनों एटम के बीच, जैसे ये एटम टच में है, यहाँ पे भी एटम टच में है, क्या यहाँ पे एटम है, नहीं है, तो यहाँ पे जो स्पेस बच गया है, यहाँ पे जो स्पेस बच गया है, इस स्पेस को हम लोग वाइड बोलते हैं या इसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो आपको हम लोग बताएंगे कि वाइड्स जो होते हैं टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल में वाइड्स होते हैं। तो टू डायमेंशन वॉइड्स में किस किस बात पे निर्भर करेंगे, कितने टाइप से होते हैं टू डायमेंशनल, तो हम लोग टाइप्स ऑफ वॉइड, सब पहले हम लोग बात करेंगे डिफिनेशन क्या होता है वॉइड। एटम रहेगा वहाँ पे जो वैकेंट स्पेस रहेगा, और जो वैकेंट स्पेस रहेगा उसी को बोलते हैं हम लोग वॉइड्स। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वॉइड्स, टाइप्स ऑफ वॉइड, कितने टाइप्स ऑफ वॉइड्स हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर में हम लोग बात करेंगे ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड। दूसरा हम लोग बात करेंगे स्क्वायर वॉइड, स्क्वायर वॉइड, ठीक है, दूसरा स्क्वायर वॉइड। तीसरा हम लोग देखेंगे ट्राइगोनल वॉइड, देख चुके हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक हम लोग चौथा नंबर देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टा हेड्रल वॉइड। तो ये वॉइड्स हम लोग क्लासीफाई के फोर टाइप से होता है, ट्राइगोनल वॉइड, स्क्वायर वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड और स्क्वायर वॉइड जो होगा आपका टू डायमेंशन में बनेगा, और ये सब जो बनेगा आपका थ्री डी में आपको वॉइड्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइगोनल वॉइड्स कैसे बनती है। तो टू डायमेंशन में जब एटम को अरेंजमेंट करते हैं, एटम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं, ऐसे हम लोग अभी टू डायमेंशन में एटम को अरेंज कर रहे हैं, फर्स्ट लेयर हो गया, दूसरा लेयर यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे खाली स्पेस है, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे, ऐसे करके रखता चला जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो खाली स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे जो खाली स्पेस क्रिएट हो रहा है, जिस टाइप का वॉइड बन रहा है, इस वॉइड का नाम है क्या, ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। अब इसी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि तीन आइटम है इसमें, तीन आइटम है और तीन आइटम के बीच में यहाँ पे वॉइड जो बन रही है, इस वॉइड का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे स्क्वायर वॉइड, तो स्क्वायर वॉइड क्या बनेगा, स्क्वायर टाइप से बनेगा। तो स्क्वायर वॉइड कैसे बनेगा, तो स्क्वायर वॉइड कैसे बनेगा देखते हैं हम लोग। स्क्वायर वॉइड क्या करेंगे, जैसे भी ये आइटम हम लोग रखेंगे फर्स्ट, तो टू डायमेंशनल जब अरेंजमेंट कर रहे हैं तो टू डायमेंशन दो टाइप से बताए थे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो दो डायमेंशन में हो गया तो दूसरा जो लेयर होगा, दूसरा जो लाइन होगा, यहाँ पे रखेंगे आइटम को, एक आइटम यहाँ पे रखेंगे, एक आइटम यहाँ पे रखेंगे और एक आइटम यहाँ पे रखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो एक खाली स्पेस बन रहा है, ये जो खाली स्पेस बन रहा है एक स्क्वायर की टाइप से बन रहा है, मतलब एक स्क्वायर टाइप से खाली स्पेस बन रहा है, इसी वॉइड को, जो खाली स्पेस है इसी को बोलते हैं हम लोग वॉइड, और इस वॉइड का नाम है स्क्वायर वॉइड, ये हो गया स्क्वायर वॉइड। अभी तक हम लोग दो वॉइड देखें, ट्राइगोनल वॉइड और आप देख चुके हैं स्क्वायर वॉइड्स।
ट्राइगोनल वॉइड्स, स्क्वायर वॉइड्स दोनों दो डायमेंशन में होते हैं। अब बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जबकि ये जो वॉइड्स होते हैं वो थ्री डायमेंशन में होते हैं। तो थ्री डायमेंशन में हम लोग वॉइड देखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एटम जो अभी हम लोग देख सकते हैं अभी 2D में ही रखा हुआ है, 1D में रखा हुआ। दूसरा एटम जो लाइक करेगा यहाँ पे लाइक करेगा, दूसरा एटम यहाँ पे लाइक करेगा, इस वॉइड के ऊपर रखता चला जाएंगे, फिर एटम यहाँ पे रहेगा, उसके बाद यहाँ पे एटम रहेगा, उसके बाद एटम यहाँ पे रहेगा, इसी तरह हम लोग एटम रखता चला जाएंगे। फर्स्ट लेयर हो गया, अभी तक टू डायमेंशनल, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। अब तीसरा जो एटम रखेंगे इस वॉइड के ऊपर रखेंगे, जैसे यहाँ पे वॉइड है, यहाँ पे भी वॉइड है, यहाँ पे वॉइड है, अगर तीसरा एटम जैसे ये दो एटम तीन एटम के बीच में हम लोग एक एटम यहाँ पे रखेंगे, रख दिए तो देख सकते हैं कि ये तीन, इसको हम लोग बाहर खींच के निकालते हैं, ऐसे रखा हुआ, ये तीन एटम रखा हुआ है ऐसे करके, तो अभी टू डायमेंशन में यहाँ एक ट्राइगोनल टाइप के बाहर मतलब वॉइड बना। अब तीसरा एटम है इसके ऊपर रख दिया है, यहाँ पे तो स्पेस खाली हो गया अंदर में, और यहाँ जो वॉइड क्रिएट हो रहा है इस वॉइड को बोलते हैं हम लोग टेट्रा हेड्रल वॉइड, इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रा हेड्रल वॉइड्स, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा हेड्रल वॉइड। इसी तरह एटम यहाँ पे भी रखेंगे हम लोग, इसी तरह एटम यहाँ पे भी रखेंगे हम लोग, नीचे भी रखेंगे यहाँ पे एटम, यहाँ पे भी एटम रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक नया वॉइड बन रहा है, बन गया। तो जब सेकेंड लेयर हो गया, अब थर्ड लेयर है, अब इस वॉइड के ऊपर रख देते हैं, इस वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर रख देते हैं, मतलब क्या है, नीचे में आपका कितना है, नीचे में इसमें देख सकते हैं जो आपका एटम क्रिएट हुआ है इस टाइप का, नीचे में तीन एटम है, उसके ऊपर भी आपका थ्री एटम्स हैं। यहाँ पर इसको निकाल करके दिखाते हैं, ऐसे है वॉइड्स, एक एटम ऐसे, तीन एटम यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद तीन आइटम यहाँ पे इसके सेंटर से ऐसे अटैच्ड में है, एक दो और एक तीन, और यहाँ पे एक नया वॉइड बन गया। तो इस टाइप को वॉइड को हम लोग बोल देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक बार फिर से दिखाते हैं, फिगर क्लियर नहीं हो रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बनाए हैं, तीन आइटम अंदर की ओर है ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद जो एटम है यहाँ पे लाइक कर रहा है, इसके ऊपर तीन एटम लाइक कर रहा है, इसके ऊपर आपका तीन एटम लाइक कर रहा है, तो यहाँ पे जो खाली स्पेस हो रहा है, तीन एटम अंदर तीन एटम इसके ऊपर रखा हुआ है, और यहाँ पे जो वॉइड है इसी वॉइड का नाम है टेट्रा हेड्रल वॉइड्स। तो हम लोग वॉइड्स के बारे में बात किए आज कि वॉइड्स कितने टाइप से होते हैं, अब वॉइड्स का रेडियस निकालेंगे हम लोग, इसका रेडियस रेशियो क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।